वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार. आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार. और ऑनरेबल वीजी सर एंड वीजी लर्निंग डेस्टिनेशन वाइस चेयरमैन ऑफ द एनआईआरसी चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट के विवेक खुराना जी, माय को स्पीकर पुनीत अग्रवाल जी, लर्नेड फ्रेंड्स एंड मेंबर्स प्रेजेंट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू वीजी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी हियर टूडे to interact about the GST, which is the new law and which is the historical event in the history of the India. Dekhiye, VG sir is master of masters. Aapne suna hai na, guruon ke bhi guru, wo VG sir hain. Main 96-97 se direct, 96-97 mein direct tax ki coaching VG sir se li thi. Aur aaj tak mujhe unki ek ek cheez padhane ki style aur likhne ki style sab kuch yaad hai. तो अपने गुरु के सामने स्टेज पे बोलना, आप समझ सकते हैं किसी भी शिष्य के लिए कितनी एक खुशी की बात होगी. तो मैं सर से अनुमति चाहूंगा कि मैं अपनी बात शुरू करूं. जी सर, जीएसटी की पाठशाला. फ्रेंड्स, समझ में आया जीएसटी क्या है? यस, आ गया. वेरी गुड. यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है. ये जो एक एफर्ट किया है वीजी सर ने, दिस इज नॉट प्योरली कि इट्स ए कॉमर्शियल वेंचर और वॉट एवर. इट इज नेसेसिटी ऑफ टुडे कि देयर शुड बी ए अवेयरनेस अबाउट द जीएसटी ऑल अक्रॉस द कंट्री ब्रीथ्स एंड लेंसेज एंड इट इज इफेक्टिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. ये ऐसा नहीं है कि ये कोई टैक्स लॉ का रिफॉर्म है. यदि ये टैक्स लॉ का रिफॉर्म होता तो 26 जनवरी की परेड में ये झांकी नहीं निकलती. ये इस बार 26 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टैबलू 26 जनवरी को निकाला था, जीएसटी विच वाज ऑफ द सीबीईसी. कभी किसी टैक्स की झांकी निकलते हुए देखी आपने? नहीं देखी. इस बार देखिए, बिजनेस लॉ है, रिफॉर्म है, सोशल रिफॉर्म है, जो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे काम करने के तरीके को, टैक्स लेने के तरीके को और बहुत सारी चीजें, ब्लैक मनी और बहुत सारे जो इविल्स हैं उनको रोकने में मददगार साबित हो. और कोई भी चेंज आपको पता है आसान होता है क्या? बदलना आसान होता है? आप में से यदि कुछ लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं या सिगरेट पीते हैं और उनसे कहा जाए कि वो छोड़ दें, तो क्या आप छोड़ सकते हैं? बताइए, आसान होता है क्या? नहीं होता. तो कोई भी चेंज है वो बड़ा ट्रबलसम होता है. और यही बात जीएसटी के साथ भी है कि ये ट्रबलसम तो होगा ही, पेनफुल भी होगा, लेकिन यदि एक बार चेंज हो जाए तो हो सकता है कि वो हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाए. तो कोशिश करते हैं समझने की कि जीएसटी क्या है. अभी आप लोग देख रहे थे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तो तीन लेयर आपने समझी कि कोई भी सप्लाई यदि विद इन द स्टेट है, जिसको हम बोलते हैं लोकल सेल या लोकल सप्लाई, तो हमें दो टैक्स लगाने हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी. एक ही स्टेट में सेल है तो दो टैक्स, और एक स्टेट से बाहर दूसरे स्टेट में सेल या सप्लाई है तो एक ही टैक्स. ये कैसा कमाल. यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर स्टेट सप्लाई होती और तब दो लगते तो समझ में भी आता कि एक इस स्टेट का जहां से माल जा रहा है और एक दूसरे स्टेट का, लेकिन वहां पे आईजीएसटी केवल एक ही टैक्स लग रहा है और विद इन द स्टेट दो टैक्स लग रहे हैं. उसका रीजन आपको अभी पता लगा, आपको बताया गया कि वो दो टैक्स क्यों हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अलग होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट का खजाना अलग होता है, और एक खजाने से दूसरे खजाने में पैसा ले जाना आसान काम नहीं होता गवर्नमेंट में. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता है, उसके लिए प्रोविजन देना पड़ता है, जो कि आईजीएसटी के केस में आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजन डाला है कि उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देंगे, एक राज्य के खजाने के लिए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने के लिए. तो इसीलिए ये जो जीएसटी है ये इस तरह लग रहा है कि जहां पे विद इन द स्टेट है वहां पे हमें बंटवारा करने की जरूरत नहीं पड़े. ऑलरेडी वो सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगी तो हम उसको प्रोविजन को यूज करते हुए उसके दो पार्ट करते रहेंगे हर स्टेट पे जहां जहां पे उनकी जरूरत होगी. अब देखिए जीएसटी क्या है. जीएसटी टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता है, वैल्यू एडेड टैक्स है. यहां पे आप लोगों में से
कितने लोग अकाउंटेंट हैं जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, जरा एक बार हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, आप सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामना है इस जीएसटी के लिए, क्योंकि मैं एक बात बताऊं कि जीएसटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है हर उस व्यक्ति के लिए जो अकाउंटिंग के प्रोफेशन में है, अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या टैक्स लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है। क्योंकि जीएसटी के लिए अभी स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ ही नहीं। स्किल डेवलपमेंट एक सरकार का भी प्रोजेक्ट है, आपको पता है, किसी भी काम को करने के लिए, स्पेशल काम को करने के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि हमें ओला कैब में या किसी कैब में ड्राइवर भी चाहिए तो उनको ड्राइवर की एक अलग से ट्रेनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो जीएसटी में अकाउंटिंग करने के लिए, जीएसटी के हिसाब से बिजनेस के अफेयर्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हमें स्किल्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत है। तो आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे अकाउंटेंट्स हैं और स्टूडेंट्स होंगे और बिजनेस क्लास भी होगा। आप में से बिजनेस क्लास कितने एक बार हाथ खड़ा करेंगे? बिजनेस क्लास, वेरी गुड। तो बिजनेस क्लास के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है, क्योंकि मैंने आपको बताया चेंज करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा। अब तो सिर पे आ गया है और 1 जुलाई इज लुकिंग एज ए रियलिटी। 1 जुलाई से जीएसटी हमारे पास आ गया है। अब जरा जीएसटी को देखें ओवरव्यू, एक स्लाइड से ओवरव्यू करके आगे बढ़ेंगे और जो मेरा मुझे टास्क दिया गया है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। और ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं ना, ये फंडामेंटल्स हैं जीएसटी के, और इन फंडामेंटल्स में से 3 मुझे यहां पर अभी कवर करने आपके साथ में बैठ के जीएसटी की पाठशाला में, जिससे कि हम यहां से जाएं तो कुछ अपने साथ लेकर जाएं और सबको कहें कि हम गए थे वीजी सर की क्लास में और वहां पे हमने जीएसटी में ये कुछ चीजें सीखी या ये कुछ चीजें हमें पता लगी। क्या फंडामेंटल है कि भाई टैक्स किस पे लगना चाहिए, चार्जिंग सेक्शन किस पे लगना चाहिए, ये एक सवाल। दूसरा सवाल, कब लगना चाहिए, टाइम क्या है उसका, टैक्स कब लगना चाहिए, एक्साइज में टैक्स कब लगता है, यदि आप में से अकाउंटेंट को एक्साइज में काम करते हैं, रिमूवल एट द टाइम ऑफ रिमूवल फ्रॉम द फैक्ट्री, सेल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसफर हो रहा है, डिपो में जा रहा है, वेयर हाउस में जा रहा है, लेकिन गुड्स रिमूव हुआ फैक्ट्री से और टैक्स लग गया, तो कब टैक्स पे करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्विस टैक्स में हम कब टैक्स पे करते हैं, जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं या टू बी प्रोवाइडेड होती है, और वैट में हम कब टैक्स पे करते हैं, जब ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, और वैट हमेशा ट्रांसफर पे लगता है, आपको पता नहीं लगता होगा कब ट्रांसफर हुआ, लेकिन हैंडिंग ओवर ऑफ पोजिशन से गुड्स का ट्रांसफर हो जाता है। तो हमें यह समझना है कि जो आज हम कर रहे हैं बुक्स में एंट्री कर रहे हैं और जो जीएसटी में करेंगे उसमें क्या फर्क आ रहा है, आखिर क्या चेंज है जो अब तक हम एक्साइज, सर्विस टैक्स और वैट में करते आए। मेनली ये 3 लॉ है, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ये भी साथ में सब्स्यूम हो रहे हैं, परचेस टैक्स भी है और भी टैक्सेस हैं, लेकिन यदि हम मेनली टैक्स देखें तो इन 3 टैक्सों में ही हम इर्द गिर्द सारा बिजनेस चलता है। तो कब लगना है, इसका रिप्लाई हमें मिलेगा टाइम ऑफ सप्लाई से। और कहां लगना है, टैक्स लगना है पहली बात, कब लगना है, लेकिन कहां लगना है, ये कहां लगना है जो है ना, ये हमारे देश के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां लगना है, जब हम बात करते हैं कहां लगना है तो हमारा सवाल है कौन से स्टेट में लगना है, क्योंकि ये हमारा कंट्री है फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट्स के पास अपनी ऑटोनॉमी है, अपनी पावर है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आज चाहे भी कि सारा टैक्स हम कलेक्ट कर लेते हैं, बाद में हम सरकारें आपस में बांट लेंगे, उसको बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं जो ऑलरेडी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि संविधान में राज्य सरकारों को अलग से पावर दी है टैक्स लगाने की, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है। तो आप किसी राज्य सरकार की पावर अपने पास कैसे ले सकते हैं बिना संविधान में संशोधन किए हुए, और आप संविधान में संशोधन करना चाहते भी हैं या नहीं करना चाहते हैं? इसीलिए इस सवाल का जवाब जो बार बार यहां पे मैं कुछ प्रश्नों में भी देख रहा था कि टैक्स कहां लगना है, तो कब लगना है, कहां लगना है और किस अमाउंट पे लगना है, कितने रुपए पे टैक्स लगना है, ये 3 टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यूएशन, ये 3 पार्ट हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने इनका जिस्ट रखें, जिससे कि जब हम यहां से जाएं तो एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी हमारे माइंड में हो, हमारा जो भी एम्प्लॉयर है या हम अपना खुद काम करते हैं तो जो क्लाइंट्स हैं उनको हम पास ऑन कर सकें, क्योंकि ये नॉलेज डिफ्यूजन पास ऑन करने के लिए है, नया लॉ है, जब तक हम इसको पास ऑन नहीं करेंगे तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं उन तक ये बात नहीं पहुंचेगी, और फिर हमें इंप्लीमेंट भी करना है। और एक 5वां लिंब जो इस लिखा है ना इसमें पिलर्स में, वो ITC का है, वो कल आप समझेंगे। ये ITC क्या है, ये जैसे रेलगाड़ी होती है ना,
रेलगाड़ी तो आपने फाइव स्टार बना दी, बहुत बढ़िया कोच बना दिए, लेकिन यदि रेलगाड़ी में पहिए नहीं है तो बिना पहियों के कोई रेलगाड़ी चल सकती है क्या? आपने गाड़ी बनाई ऑडी मर्सिडीज, उसमें टायर नहीं लगाए तो वो चल सकती है क्या? नहीं। कोई भी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम बिना आईटीसी के प्रोविजन के नहीं चल सकता, और यहां तो बहुत जरूरी है क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक टैक्स हमें भेजना है, तो कैसे भेजेंगे? आईटीसी से भेजेंगे।